हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसेट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईयूएस के प्रैक्टिकल के बारे में। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि आप अगर अप्रैल वाले बच्चे हैं भी हैं, अगर अप्रैल 2021 में आपके एग्जाम होने वाले हैं या अक्टूबर 2021 में एग्जाम होने वाले हैं, उससे बाद में भी आपके एग्जाम होंगे, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आपके जिन बच्चों के एग्जाम जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं, उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे 14 जनवरी से। अभी बच्चों को पता नहीं है कि भाई उनका हॉल टिकट कब आने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिकल किस डेट को होंगे, क्योंकि डेट तो वहां पर जो आपकी डेट शीट है, डेट शीट में डेट क्या दी हुई है, 14-17 आपके प्रैक्टिकल दिए हैं और आगे 12th क्लास के 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और 10th क्लास का 1 सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कौन से दिन पे जाके हम प्रैक्टिकल दें, तो प्लीज आप परेशान ना हो, वीडियो को देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पता करें आपका जो प्रैक्टिकल है वो किस दिन होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको देखना होगा आपका आई कार्ड, या जिसको हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, आई कार्ड जो होता है उस पर देखिए आपका स्टडी सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर पता करिए कहाँ पर है, उसमें जाइए और जाने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके सब्जेक्ट जो है वो 13-17 के बीच में दे रखे हैं, यानी कि आपको दे रखा है कि प्रैक्टिकल की डेट शीट में 14-17 में जो आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं उस डेट में, उनमें से उनके आगे 12th क्लास का अगर आपका कोई सब्जेक्ट है या 10th क्लास का आपका अगर कोई सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा एक दिन पहले 13 को। अगर आपको लग रहा है कि 13 को कोई संडे है, सैटरडे है, कोई दिन आपका जो है कोई हॉलीडे है, आपको पहले ही पता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक दिन पहले जाना होगा, ठीक है, ताकि आप जो है वो आसानी से जाके वहां पर पता कर सके। तो फ्रेंड्स, स्कूल के बाहर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक जो है वो आपको लिस्ट लगी हुई होती है, वहां पर मिल जाएगी, वहां पर आपका रोल नंबर दिया होगा, वहां पर आपको डेट देखी होगी कि इस सब्जेक्ट का जो आपका प्रैक्टिकल है वो इस दिन होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी तरीके का, आपको लगता है कि वैसे बहुत सारे डाउट आप वहां जाके नहीं पूछ सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो है सीबीएसई वाले बच्चों के स्कूल होते हैं, रेगुलर वाले बच्चों के स्कूल होते हैं। एनआईओएस का सिर्फ काम इतना होता है कि वो वहां पर अपने बच्चों के प्रैक्टिकल करवाता है। जस्ट एग्जांपल मैरिज हॉल का आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैरिज हॉल आपका नहीं होता, आप शादी करने के लिए वहां पर क्या करते हैं, उसको बुक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एनआईओएस क्या करता है, एग्जाम कराने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए आपके स्टडी सेंटर को क्या करता है, बुक करता है, ठीक है। तो अब आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको बहुत सारे सवाल वहां जाके नहीं पूछने, आपको सिर्फ इतना पूछना आपका जो प्रैक्टिकल किस डेट को होगा, हमें किस डेट में आना है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे डाउट पूछने लगे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि वो हमारा स्टडी सेंटर और हम जाकर उनसे जितने मन चाहे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो बिल्कुल भी मत करना इस तरीके का, वो नहीं बताएंगे। अगर आपको आपके क्वेश्चन पूछने हैं तो आप जाइए एनआईओएस के रीजनल सेंटर पे, जो कि आपके स्टेट में होता है, तो वो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर है, कौन सा एड्रेस है, वहां जाके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। पर स्टडी सेंटर पे ज्यादा क्वेश्चन मत पुट अप करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आपका लिस्ट में अगर नाम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप फोटो क्लिक करके ले आइएगा, लिख के लेकर आ जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा, आप वहां पर जाइए अंदर, वहां से उनसे बात करिए, गार्ड के थ्रू जैसे भी आपको बात करनी है, उनसे पूछिए कि सर मैम मेरा जो है ये आई कार्ड है, मेरा प्रैक्टिकल इस डेट को है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फोन में पीडीएफ डाउनलोड किया, उसको प्रिंट करके नहीं लेके जाते, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। प्रिंट करा के आप जो आपका होल टिकट है या फिर जो भी आपका है एडमिट कार्ड है, उसको आप क्या करें, प्रिंट करा लें, देन उसके बाद में उसको लेके जाएं, ठीक है। एडमिट कार्ड है और उनसे बोल दीजिए कि आपका प्रैक्टिकल आपका किस दिन होगा, लिस्ट में तो बाहर नाम है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जो है वो अपना पता चलेगा कि कब आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा, वहां पर आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा, लेकिन जिस दिन आपका, जिस डेट के बीच में आपका जो है सब्जेक्ट है, उससे एक दिन पहले जाके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस एक टॉपिक आई होप कि आपका क्लियर होगा, ये चीज आपको किस डेट में होगा प्रैक्टिकल, वो आपको जो है आपके स्टडी सेंटर पे ही जाके पता चलेगा, लेकिन हॉल टिकट जैसे ही आएगा इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए, चाहे प्रैक्टिकल का हॉल टिकट हो या फिर आपका थ्योरी का प्रैक्टिकल हॉल टिकट हो, उसके ऊपर वीडियो जो है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कि क्या क्या आपको वहां पर लेके जाना होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वाले दिन आपको क्या क्या लेके जाना होगा, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल वाले दिन आपको क्या लेके जाना होगा, सबसे पहले आपको लेके जाना होगा आपका आईडी कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड आपको या तो आपके घर पे आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप जो है उसको नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा आपके डैशबोर्ड से, एंड उसके बाद में आप उसको कलर प्रिंट करा लीजिए, लैमिनेशन करा सकते हैं आप उसको, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका आईडी कार्ड, आपने जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, आपके सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, उस प्रैक्टिकल फाइल को आप लेके जाइएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में आप ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पर
जब आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसा ना हो कि आपको दूसरों से सामान मांगने की जरूरत पड़े। तो हर एक जरूरत जो भी आपको प्रैक्टिकल के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में लेके जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका हॉल टिकट उसको भी प्रिंट करा के लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये चार चीज आपको वहां पर लेके जानी है, दैट्स इट, ठीक है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स बात आती है कि प्रैक्टिकल जो होता है वो कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने वहां पर स्टडी सेंटर पर, ठीक है, आपसे आपकी फाइल सबमिट कर ली जाएगी, आप सबकी फाइल ले ली जाएगी। देन उसके बाद में आपको क्या दिया जाएगा, एक आंसर शीट दी जाएगी। आपको आंसर शीट पे अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, जो जो वहां पर आपसे आंसर शीट में मांगा जाएगा या हमारे टीचर से पूछ लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर लिखना है, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको दिए जाएंगे, अब वो ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिख देंगे, आपको तीन क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। उसमें से आपको कोई भी दो क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन के आपको आंसर करने होते हैं। तो उस दिन आपको जरूरत है ज्योमेट्री बुक्स पूरा लेके जाएं। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए वहां पर जहां पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी पड़े, चाहेगा आपके क्वेश्चन हो गए। तो उसके बाद में आपको क्या किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा वाइवा क्वेश्चंस के लिए। तो आपके आपसे क्या पूछा जाएगा, जो आपका लैब मैनुअल होता है उसमें से आपसे जो भी आपने रीड किया होता है उसमें से ही क्वेश्चन आता है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछते। और कभी कभी जो इतना सिंपल हो जाता है कि जो आपकी फाइल होती है उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, या जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ब्लैक बोर्ड पर जो लिखे होते हैं क्वेश्चन, उनमें से ही कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल से तीन चार क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, इससे ज्यादा आपसे वहां पर कुछ भी नहीं कर पाते। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये जो है एनआईएस के स्टडी सेंटर है वो एनआईएस वाले हैं, तभी वो एनआईएस वाले होते नहीं और बच्चे उनसे बहस करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं करनी आपको, पहली बात तो बहस आपसे किसी को नहीं करनी चाहिए। जितनी रिस्पेक्ट आप किसी को दोगे उतनी रिस्पेक्ट आपको रिटर्न में मिलती है ना। तो आपको क्या करना है कि आप अगर स्टडी सेंटर पे जा रहे हैं तो उनसे बिल्कुल भी किसी तरीके की बहस ना करें। किसी भी टॉपिक से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका वहां पर रोल नंबर नहीं आता है और वो कहते हैं हमें नहीं पता, तो इस केस में आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है ताकि वो आपकी बात को सुन सके। तो फ्रेंड्स मेरी नॉलेज में जितना मुझे पता था इसके बारे में, जितना मैं पता कर पाई आगे से, जितना मैं अपने स्टूडेंट को बताती हूँ उतना मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। तो जो और बच्चे हैं जो परेशान होते हैं और जिनको नहीं पता होता उन बच्चों की हेल्प हो जाए, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जो है आपके एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट में पास करना है, किस तरीके से आपको जो है थ्योरी में कितने मार्क्स लाने हैं, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, टीएमए के मार्क्स कितने लाने हैं, तो वो सब चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।